Hello students, welcome back to PrepOn. Yesterday we started a series on Buddhism. कल हमने पहला पार्ट किया था और बुद्ध की लाइफ के बारे में हमने कुछ फैक्चुअल चीज़ें जानी थी कि कहाँ उनकी बर्थ हुई, कैसे कैसे मूव किए, विच प्लेसेज वर इम्पॉर्टेंट विद हिज लाइफ, विच पीपल वर इम्पॉर्टेंट इन हिज लाइफ, वट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स टुक प्लेस, वेन ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, उसे क्या बोला गया, निर्वाण कैसे कहते हैं, महापरिनिर्वाण कैसे कहते हैं, वो सब हमने देखा. आज सेकेंड पार्ट करते हैं. आज डिस्कस करते हैं बुद्धिस्ट संघ एंड बुद्धिस्ट काउंसिल्स. रिमेंबर दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. बेसिक्स से लेकर एडवांस वी आर गोइंग टू डू. बुद्धिज्म के क्वेश्चन, जैनिज्म के क्वेश्चन थोड़े से अपर साइड में होते जा रहे हैं, तो मैं कंप्लीट कवर करके चल रहा हूँ इस एग्ज़ाम में, इन लेक्चर्स के जरिए आपके एग्ज़ाम के लिए. चलिए आज सेकेंड पार्ट करते हैं. पहले क्वेश्चन देखिए, ये 2020 में आया था. विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, परिव्रजक, श्रमण एंड उपासक. ये तीन टर्म आपको दे दिए गए हैं, इनको मैच करिए कौन से ठीक से मैच्ड हैं या नहीं है. अब ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, यदि पता हो तो बहुत सिंपल है, लेक्चर में कवर हुआ हो तो बहुत सिंपल है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम कर जाते हैं. इसलिए कह रहा हूँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेकर एडवांस चीज़ें तक शामिल की जाएंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले कुछ देखते हैं. दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, बुद्धिस्ट संघ एंड बुद्धिस्ट काउंसिल्स. तो व्हाट इज़ बुद्धिस्ट संघ? आई टोल्ड यू, बुद्ध ने अपने ही जीवन में बौद्ध संघ को स्थापित किया था. ही एस्टेब्लिश्ड अ बुद्धिस्ट संघ, अ ग्रुप ऑफ मॉन्क्स, जो धर्म के लिए समर्पित हैं, मॉन्क्स हैं, उनका जो ग्रुप है, मोनास्टिक ऑर्डर, वो बौद्ध संघ कहलाता था. फाउंडेड बाई गौतम बुद्ध. ही वॉज द फर्स्ट थेरा और फर्स्ट मॉन्क ऑफ बुद्धिस्ट संघ. बौद्ध संघ के पहले मेंबर, प्रथम भिक्षु वो खुद हुआ करते थे. अब संघ में दो तरीके के, बुद्धिज्म में दो तरीके के डिसाइपल होते हैं, भिक्खुज, बुद्धिज्म की लैंग्वेज में भिक्खु कह देते हैं, भिक्षु या श्रमण. ये वो मॉन्क्स होते थे. श्रमण वो लोग हैं जो दे वॉन्टेड बेसिकली उनका फाइनल एम इज फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये अल्टीमेटम होता है. दे डू नॉट बिलीव इन द वैदिक टीचिंग्स. वैदिक टीचिंग्स से अपने आप को अलग रखते हैं ये. वेदों, वेद रिवील्ड टेक्स्ट हैं, वेद देवों की वाणी है, ऐसा ये नहीं मानते थे. तो अगर आप NCERT पढ़ेंगे तो शुरू में लिखा हुआ है कि 6th century BC के आसपास वो मूवमेंट चलने लगा था जब वेदों के कर्मकांडी एंगल को कुछ लोग अपोज करने लगे हैं, जब श्रमण मूवमेंट शुरू हुआ. तो श्रमण वो लोग हुआ करते थे जो उस ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को नहीं मानते थे और हेट्रोडॉक्स संप्रदाय स्थापित करने लगे थे. उन्हीं हेट्रोडॉक्स संप्रदाय में बुद्धिज्म, जैनिज्म भी हुआ करते हैं. तो इनको भिक्खु या श्रमण भी कह देते हैं, मतलब मॉन्क्स हो गए. और अगर वैसे देखें तो दोज हु वॉन्टेड फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ एंड दे डिड नॉट कंसिडर वेदास एज रिवील्ड टेक्स्ट, वो देवों की वाणी है, ऐसा वो नहीं मानते हैं, उससे अलग हटके सोचते हैं. उपासक, उपासक वो लोग हैं जो भिक्खु हैं, भिक्षु हैं, वो तो अपना सोसाइटी को छोड़कर संघ में शामिल हो गए हैं, धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों को धार्मिक रास्ते में डालने में लगे हुए हैं. लेकिन जो आम जनता है, जो उस सिस्टम के बाहर हैं, आम जनता भी धर्म फॉलो कर सकती है, उन्हें उपासक कहते हैं, ले फॉलोवर्स, मतलब दे हैव नॉट बिकम पार्ट ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, यू कैन से उस लूप में नहीं है जहां उनको सब कुछ छोड़ देना पड़े. वो गृहस्थ जीवन चलाते चलाते भी बुद्धिज्म का पालन कर सकते हैं, उनको उपासक कह सकते हैं, तो वो ले फॉलोअर्स हुआ करते थे. अब भिक्षु के बारे में दो तीन बातें और जानिए. ये चीज़ें मैंने इंक्लूड कर ली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अवॉइड नहीं करिए. नॉट अ प्रीस्ट इन द सेंस ऑफ थीस्टिक रिलीजन्स, रिलीजियस, ये पुरोहित नहीं होता है. भिक्षु जो होता है वो पुरोहित नहीं होता है. ही वॉज नॉट अ पुरोहित काइंड ऑफ थिंग. बींग द टॉर्च बियरर ऑफ द धम्मा एज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द उपासक, जो उपासक धर्म फॉलो कर रहे हैं उनको सही रास्ते पे लाने के लिए उनकी मदद करता है. ये संघ में शामिल तो हो गया है, लेकिन संघ में शामिल होने का मतलब नहीं है सन्यासी हो गया है. ये सोसाइटी से संबंध रखता है, अपने फैमिली से, अपने कास्ट से अलग हो गया है, लेकिन सोसाइटी में सही रास्ते पर लाने में ये लोगों की मदद भी करते रहते हैं. तो भिक्षु का संबंध सिर्फ ये कहना नहीं कि भिक्षु मीन्स एसेटिक, सन्यासी, नो, दे वर पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड दे यूज टू हेल्प पीपल इन मूविंग ऑन द एथिकल पाथ, सही रास्ते पर लाने का काम भी
करते थे. एवरी बुद्धिस्ट मॉन्क हैज़ टू बी अ समनेरा, समनेर. याद रखेंगे, जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल होना चाहता है तो पहले उसे समझ लीजिए अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है, तब वो समनेरा कहलाता है. ही इज समनेरा. जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद उसका फाइनल टेस्ट होता है. जब फाइनल टेस्ट हो जाता है तो वो बन जाता है भिक्षु, मॉन्क बन जाता है. उस सिस्टम को कहते हैं उपसंपदा. अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए व्हाट इज उपसंपदा, व्हेन द नोविस, नोवेल, जो नया व्यक्ति आया है, जो न्यू स्टूडेंट आया है, जब वो प्रॉपर मॉन्कहुड में शामिल हो जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा, तब उसे उपसंपदा कहते हैं. गौतम बुद्ध खुद ही उपसंपदा पहले खुद ही किया करते थे इस काम को. पहले आता है, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद टेस्ट होता है, उस टेस्ट में पास होंगे तभी आप मॉन्क बनेंगे, भिक्षु बनेंगे, वरना नहीं बन सकते हैं. तो उपसंपदा इज व्हेन द हायर ऑर्डिनेशन ऑफ भिक्षु इन हायर, उसमें दैट इज कॉल्ड उपसंपदा. तो ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं. भिक्षु कोई पुरोहित जैसा काम नहीं करता है. बाद में जब धर्म में गिरावट होगी तो वो पुरोहितों के काम करने लगेंगे, लेकिन शुरू में वो बिल्कुल सोसाइटी के संपर्क में है, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए है. सोसाइटल काम जो कर्मकांडीय चीज़ें वो नहीं कराएगा वो, लेकिन सही रास्ते पे लाने के लिए हुआ करते हैं भिक्षु. तो और समनेरा वो है जो नया भिक्षु है, और जब वो हायर उस पर आ जाएगा, टेस्ट पास कर लेगा, तो उपसंपदा. ऑर्डिनेशन का सिस्टम का नाम था उपसंपदा. तो दिस इज बुद्धिस्ट संघ. गौतम बुद्ध ने बुद्ध संघ बनाया है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. हु कैन बिकम मेंबर ऑफ बुद्धिस्ट संघ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है तो ये जरूरी है जानना. बौद्ध संघ के मेंबर कौन बन सकते हैं? ऑब्वियसली ओपन टू ऑल पर्संस, मेल और फीमेल. शुरू में तो महिलाओं को नहीं अलाउ किया जा रहा था, बट जब प्रजापति गौतमी ने आग्रह किया, गौतम बुद्ध की जो फॉस्टर मदर थी, मौसी थी, जिन्होंने पालन पोषण किया था, और आनंद के सपोर्ट में, एंडोर्समेंट के बाद, दे ऑल्सो वर अलाउड टू बी पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट संघ. तो इट वॉज ओपन फॉर मेल एंड फीमेल, बट 15 साल से कम की एज नहीं हो सकती है जो संघ में मेंबर आने के लिए. कास्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, बट दे शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेज. दे शुड बी फ्री फ्रॉम लेप्रसी एंड एट्सेट्रा. इनसे उनको अलग, उनको नहीं होना चाहिए. बट दोज हु वर क्रिमिनल्स, स्लेव्स, अंडर डेट, वर नॉट अलाउड. जो क्रिमिनल्स हैं, रॉबर्स हैं, जिन पे कर्ज है, जो राजा के सेवक हैं, उनको अलाउ नहीं है, वो संघ के मेंबर नहीं बन सकते. ये छोटे छोटे पॉइंट हैं. संघ का काम कैसे होता था? डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग. छोटी सी बात याद रखेंगे आप, 6th century BC में दो तरीके के पॉलिटिकल यूनिट्स होते थे. एक तो होते थे मोनार्किकल किंगडम्स, जो मगध है, अवंती है, कौशल है, और कुछ होते थे गण संघ. क्योंकि बुद्ध एक गण संघ के बैकग्राउंड से आए थे, रिपब्लिकन सिस्टम से आए थे, तो बौद्ध संघ की वर्किंग में रिपब्लिकन सिस्टम आपको दिखेगा, जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है वो दिखेगी. सो दे यूज टू फॉलो द सिस्टम ऑफ गणतंत्र और गणसंघ, बिकॉज पॉलिटिकल बैकग्राउंड शाक्यों का या जितने भी ट्राइबल सेटअप हैं वो गणसंघ के तरीके से चलते थे, रिपब्लिकन सिस्टम से चलते थे, ट्राइबल सेटअप से चलते थे, तो वो गणसंघ कहलाते थे. तो वो रिफ्लेक्ट होता है. द संघ वॉज गवर्नड एब्सोल्युटली ऑन डेमोक्रेटिक लाइन एंड वॉज एम्पावर्ड टू एनफोर्स डिसिप्लिन अमंग इट्स मेंबर्स. द लाइफ एंड life of monks and nuns was strictly governed by the laws and the ten commandments, and there was no room for personal likes or dislikes. बिल्कुल democratic functioning होती है. कोई भी प्रस्ताव आएगा, resolution पेश किया जाएगा, उसे नाट्टी कहते हैं. इस पर फिर discussion होगा, 3 बार उसे बोला जाएगा. अगर कोई नहीं accept करता है तो वो accept हो गया, उस पर discussion हो सकता है. उसके बाद उस पर voting होगी. कलर्ड डंडियाँ होती हैं, वो डाली जाएंगी एक उसमें, अर्न में डाली जाएंगी. उसके बाद रंग के हिसाब से चुनाव हो जाएगा कि ये फैसला सही है, और जो फैसला मेजॉरिटी से हो गया वो माना जाएगा. तो शलाका वर दोज वुडन रॉड्स विच वर डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट कलर्स, जिनको काउंट करके निकालते थे कि इतने रंग इतने हुए और इतने रंगों ने ये इस बात के रिफ्लेक्टिव हैं. इस तरीके से डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हुआ करती थी. सब कुछ वोटिंग से हुआ करता था. ये 2-3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है. ये टॉपिक अनटच्ड बाय UPSC स्टिल, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ संघ. तो संघ वॉज वर्किंग ऑन अ डेमोक्रेटिक सेटअप एट दैट टाइम.
समझ लीजिए डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का अर्लीस्ट एग्जाम्पल है बौद्ध संघ. इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन द एंशियंट इंडिया. ये बौद्ध संघ था. अब बुद्धिस्ट काउंसिल्स कर लेते हैं. बुद्ध की डेथ हो गई है 483 BC में. अब जो उनकी टीचिंग्स वगैरह हैं उनको संग्रह करके आगे बढ़ाया जाए, उनको रिकॉर्ड किया जाए और इस सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए. तो उनकी डेथ के ईयर में ही होती है प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में. डेट्स वगैरह आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, बट चूंकि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज़रूरी है. सो फर्स्ट बुद्ध के डेथ ईयर में ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है. राजगीर में हुई है, सप्तपर्णी गुफा, राजगीर के पास सप्तपर्णी गुफा में हुई है प्रथम बौद्ध संगति. उस समय मगध का राजा अजातशत्रु हुआ करता है. उस समय मगध का राजा है अजातशत्रु. चेयरमैन है बुद्धिस्ट मॉन्क महाकश्यप और महाकश्यप, पाली भाषा में महाकश्यप और महाकश्यप. रिजल्ट क्या हुआ है, क्यों बुलाया गया था, कि बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम होना चाहिए. अब संघ को चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी चाहिए और रेगुलेट करनी चाहिए. तो जितनी भी बुद्ध की टीचिंग्स वगैरह हैं उनको अब डिमार्केट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे. तो ऑल द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर डिवाइडेड इंटू टू पिटक. पिटक माने होता है बास्केट. ये लीव्स पर लिखी जाती थी और बास्केट में रखी जाती थी, तो इनको पिटक साहित्य कह दिया गया. पिटक माने होता है बास्केट. तो विनय पिटक एंड सूत्र पिटक. विनय पिटक को पढ़ा है उपाली ने और सूत्र पिटक को पढ़ा है आनंद ने. आनंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध के सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइपल हुआ करते थे आनंद, जो उनकी अपनी शाक क्लैन के ही हुआ करते थे. तो विनय पिटक जो विनय पिटक क्या है, सूत्र पिटक क्या है, मैं जब बुद्धिस्ट लिटरेचर वाला लेक्चर लूंगा उसमें डिटेल में बता दूंगा. जो नियमावली है संघ की, कोड ऑफ रेगुलेशंस वगैरह हैं, वो विनय पिटक कहलाते हैं. वो किसने पढ़ा है, वो उपाली ने पढ़ा है. और सूत्र पिटक जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स का संग्रह है, जो उनकी टीचिंग्स का कलेक्शन है, दैट कलेक्शन इज कॉल्ड सूत्र पिटक. सूत्र उनके सूत्रों का संग्रह कहलाता है सूत्र पिटक. तो पहली काउंसिल में लिटरेचर की नींव रखी गई है पाली भाषा में. पाली उस समय की जो कॉमन लैंग्वेज है वो पाली हुआ करती है. संस्कृत भाषा हर एक के हद में नहीं है. हर व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता था, ना ही उस हर व्यक्ति को सिखाई जाती थी. तो आम जनता की भाषा में ये साहित्य लिखा गया था पाली. पाली का मतलब होता है लाइन, रो या सीरीज. क्योंकि ये साहित्य की सीरीज बनने वाली है तो ये पाली शब्द का लिटरल मीनिंग ये होता है. तो ये पाली साहित्य भी कहा जाता है, एक सीरीज में चलता रहेगा. तो पहली दो बुक्स कहलाती हैं विनय पिटक एंड सूत्र पिटक. यहाँ संघ कैसे चलेगा, नियमावली क्या है, रेगुलेशंस क्या है, मॉन्क के लिए ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, नंस जो हैं वो जो नंस हैं भिक्षुड़ी हैं उनका जीवन ऐसे चलेगा, मॉन्क्स का ऐसे चलेगा, जब भी जितने नियम वगैरह हैं ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है, क्या एक्सेप्ट संघ कर सकता है क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ये वो है. और जो टीचिंग्स वगैरह हैं ये सूत्र पिटक कहलाता है. सूत्र पिटक के 5 पार्ट होते हैं. इन्हीं में एक छोटा सा पार्ट जातक कथाएं इसी में शामिल होती हैं. तो हम लिटरेचर में डिस्कस करेंगे डिटेल में इसे. सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 100 साल बाद होती है 383 BC में. 100 साल बाद पहली काउंसिल के वैशाली में हुई है और इस समय मगध का राजा काल अशोक है. इस समय जो किंग है वो काल अशोक के समय होती है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल. इशू ये आ गई है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, मॉन्क्स हैं, संघ के मेंबर्स हैं, उनके बीच में कुछ डिसेंशन हो गया है. उनकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होते जा रहे हैं. मॉन्क्स ऑफ वैशाली एंड पाटलिपुत्र हैड एक्सेप्टेड सर्टेन रूल्स विच वर डिक्लेयर्ड एज कॉन्ट्रेरी टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा बाय द मॉन्क्स ऑफ कौशाम्बी एंड आवंती. मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न मॉन्क्स के बीच में डिसेंशन है, प्रॉब्लम है. जो पाटलिपुत्र वैशाली के मॉन्क्स हैं उन्होंने जो फॉलो किया है उसे आवंती और कौशाम्बी के मॉन्क्स मानने को तैयार नहीं है. इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बैठक बुलाई जाती है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल. इसको हेड किया है सर्वकामी ने. नॉट दैट इम्पॉर्टेंट ए नेम स्टिल, सर्वकामी नामक मॉन्क वॉज चेयरमैन पहले का महाकश्यप. रिजल्ट होता है इनके बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ पाता है. काउंसिल फेल टू ब्रिंग अबाउट ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू एंड आइडियोलॉजिकल डिवाइड हो जाता है. जो वैचारिक मतभेद हो जाता है और दो विचार मान भी लिए जाते हैं, स्थविरवादी एंड महासंघिक. पाली में स्थविर का मतलब गौतम बुद्ध, जो स्थविर को फॉलो करेंगे,
जो गौतम बुद्ध को एज इट इज़ फॉलो करेंगे, कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, जो बदलाव किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कहलाते थे स्थविरवादी, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट, जो रियल बुद्धिज्म, ओरिजिनल बुद्धिज्म में जो भी था, और जो महासंघिक वो हैं, वो कहते हैं समय के साथ थोड़ा बदलाव हो सकता है, कोर टीचिंग्स वही रहेंगी, बट थोड़े बदलाव लाने चाहिए। फेवर्ड द न्यू रूल्स एंड देयर फर्दर रिलैक्सेशन, तो ये वैचारिक मतभेद था जो वो एक्सेप्ट हो गया है। स्थविरवादी और महासंघिक आगे चल के हीनयान महायान बड़े स्कूल्स बन जाएंगे। स्थविरवादी को थेरावादी भी कह देते हैं, थेरा माने पाली में होता है बॉय, थेरा माने पाली में होता है बॉय। तो जो स्थविर को फॉलो करेंगे, जो थेरा को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, मतलब जो लॉर्ड ने कहा था, बुद्ध ने कहा था, उसमें कोई तनिक भी बदलाव अलाउड नहीं है। तो सेकंड काउंसिल में बुद्धिज्म में अब डिवीजन की ओर हालात बनने लगे हैं। ये वैशाली में हुई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के समय होती है, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं, बट 237 या 250 बीसी के आसपास होती है, ऑब्वियसली पाटलिपुत्र में हुई है। अशोक कॉल्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, चेंजेस काफ़ी सारे आ गए हैं अशोक के समय तक आते आते। मोगलीपुत्र तिस्सा, सबसे इम्पॉर्टेंट मॉन्क उस समय हुआ करता था, मोगलीपुत्र तिस्सा, जिसको अशोक ने अपने लेखों में उपगुप्त भी कहा है, अपने लेखों में अशोक ने इसको बोला है उपगुप्त, वैसे नाम मिलता है बौद्ध साहित्य में मोगलीपुत्र तिस्सा। रिजल्ट क्या था, जो बुद्ध की टीचिंग्स हैं उनका फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन निकाला गया है और उनको कंपाइल किया गया है इन द फॉर्म ऑफ अ थर्ड बुक कॉल्ड अभिधम्म पिटक। तीसरी किताब का नाम पड़ा अभिधम्म पिटक, और तीनों मिला के फिर कहलाई त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक एंड अभिधम्म पिटक। व्हाट इज अभिधम्म पिटक, द फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड आर कॉल्ड अभिधम्म पिटक व्हेन कंपाइल्ड इन द टाइम ऑफ अशोक, वेयर इन द पाटलिपुत्र काउंसिल, थर्ड काउंसिल। तो बुद्ध की टीचिंग जो फिलोसफिकल डायमेंशन है, दैट इज दिस थिंग, अशोक ने इस काउंसिल में बोला है कि जो डिसेंटर्स हैं, जो बुद्धिज्म को एज इट इज फॉलो नहीं करना चाहते, वो संघ छोड़ के जा सकते हैं। बताया गया 60,000 मॉन्क्स को निकाल भी दिया गया है जो धर्म में को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब क्या ये समझ में आ रहा है कि जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग थी वो थोड़ा सा अब कम होती जा रही है। किंग वॉज देयर वो वार्न किया है, जो अशोक ने वार्न किया है, जो बुद्ध की बात नहीं मान सकते हैं एज इट इज दे कैन लीव द संघ, वो संघ छोड़ के जा सकते हैं। और साथ साथ अशोक ने मिशनरी एक्टिविटीज भी अंडरटेक की हैं, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन आउटसाइड इंडिया। अशोक ने बोला है लेट द वर्ल्ड बी बेनिफिटेड बाय द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड, अशोक ने इस मीटिंग में बोला था लेट द वर्ल्ड बी बेनिफिटेड बाय द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड, जो लॉर्ड की बातें हैं उससे दुनिया को भी फायदा हो। इसलिए उसने बौद्ध भिक्षुओं को भेजा है, जहाँ यहाँ जगह जगह भेजा है, ताकि बुद्धिज्म का प्रचार जगह जगह होने लगे। सो ही वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग हु अंडरटेक मेजर्स टू प्रोपेगेट बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया, एज ही डिसाइडेड दिस इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ काउंसिल फर्स्ट सेंचुरी एडी में कभी होती है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, फर्स्ट सेंचुरी एडी में कश्मीर के कुंडल वन में, बताया गया है कोई कुंडल वन था वहाँ होती है, कोई एक जगह पर, नॉट एग्जैक्टली नोन। और कनिष्क प्रथम, कुषाण डायनेस्टी का राजा कनिष्क ने बुलवाई है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, और इसके चेयरमैन हैं वसुमित्र और डिप्टी चेयरमैन हैं अश्वघोष। अश्वघोष वॉज अनादर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्क हु लिव्ड इन द टाइम ऑफ कनिष्क, बुद्धिज्म में काफ़ी काम किया अश्वघोष ने। तो अश्वघोष हु सपोर्टेड वसुमित्र इन कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ फोर्थ काउंसिल, ऑब्वियसली इट वॉज अश्वघोष, वसुमित्र वॉज चेयरमैन। अब यहाँ पर डिसेंशंस बढ़ने लगे हैं, वो जो थेरावादी और महासंघिक हैं, वो डिसेंशंस बढ़ते बढ़ते अब फोर्थ काउंसिल का समय आ गया है। और यहाँ पर सबसे पहले जो त्रिपिटक था उनके ऊपर कमेंट्रीज लिखी जाती हैं, इन्हें विभाष शास्त्र कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फोर्थ काउंसिल इन द टाइम ऑफ कनिष्क। जो त्रिपिटक हैं उनको और विस्तार से लिखा जाएगा, उनके ऊपर टीका टिप्पणी लिखी जाएंगी, उन टीका टिप्पणियों को विभाष शास्त्र कहते हैं। ये फोर्थ काउंसिल में हुआ, और डिवीज़न प्रॉपर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीनयान एंड महायान। जो थेरावादी थे, स्थविरवादी थे, वो हीनयान बन जाएंगे, और जो न्यू थॉट के हैं, न्यू स्कूल ऑफ थॉट के हैं, वो महायान बन जाएंगे। लेसर वीकिल एंड ग्रेटर वीकिल,
अब ये हीनयान महायान क्या हैं, इनकी टीचिंग्स क्या हैं, और जो छोटे छोटे संप्रदाय बने हैं वो हम अलग वीडियो पे देखेंगे। और यहाँ पर संस्कृत का इस्तेमाल शुरू हो गया है, ये याद रखेंगे, महायान बुद्धिस्ट ने संस्कृत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है पाली की जगह, जो एक वजह बन जाता है कि आम जनता बुद्धिज्म से दूर जाने लगेगी। संस्कृत वॉज अ लैंग्वेज विच वॉज रेयर फॉर पीपल एंड नॉट एवरीबडी न्यू संस्कृत। तो ये अश्वघोष रोट बुद्ध चरित इन संस्कृत, इससे पहले किताबें पाली में मिल जाती, तो इस काउंसिल में संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा था। तो दिस वॉज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन द टाइम ऑफ कनिष्क। तो ये बहुत छोटी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है अबाउट, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एंड छोटी छोटी बातें संबंधित हैं जो बुद्धिज्म से हैं। सो होप यू हैव इन्जॉयड दिस सेशन ऑल्सो, यू हैव गॉट टू नो समथिंग मोर अबाउट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बारे में चार बातें और पता लगी, नॉलेज आपकी और बढ़ी, एग्जाम के लिए और बेहतर हालात बनने लगे हैं। थैंक्स अ लॉट। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए चैनल को, एंड वी विल बी ब्रिंगिंग मोर ऑफ सच वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।